सर सबसे पहले नाम बताएं अपना। मेरा नाम ठाकदास है। सर जैसे आज आपने इलेक्शन जीत ली है मतलब भाजपा की तरफ से चेयरमैन के लिए, इसके बारे में बताएं सर। जो ब्लॉक डुक्कड़ से भाजपा की तरफ से नीलम देवी जी को भारतीय जनता पार्टी ने जो मैंडेट दिया था जी सर, वो ब्लॉक डुक्कड़ की जीत है, नरेंद्र भाई मोदी की जीत है, इसमें भारत पार्टी के वर्कर साहबान की जीत है और बनी के पंच ब्लॉक डुक्कड़ के पंचों जो कि जम्मू कश्मीर में सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से पहली बार चुनाव हो रहे थे, ये पंचों और सरपंचों की जीत है। अच्छा सर, आगे चलकर क्या मतलब आपका रोल रहेगा, जैसे मतलब आगे चलकर क्या मतलब जब भी इलेक्शन होगी दोबारा चेयरमैन के लिए, उसके बारे में आए तक दोबारा जब इलेक्शन होगी वो उस वक्त की स्थिति क्या है, उस वक्त क्या पार्टी का आदेश होगा, उसके आदेश के मुताबिक हम ये इलेक्शन जो है वो आगे लड़ेंगे। लेकिन जो इस वक्त जम्मू कश्मीर में पहली दफ़ा जो BDC के चुनाव हुए, ये श्रेय सिर्फ नरेंद्र भाई मोदी सेंट्रल सरकार को जाता है। तो आवाम जी, मेरा आपसे सवाल है, जैसे आवाम का आज आपके मतलब यहाँ पर पार्टिसिपेट किया, जैसे आपका मतलब आनंद लिया यहाँ पर आके, काफ़ी ढोल तमाशा इस वक्त हो रहा है, तो क्या कहेंगे आवाम के लिए डुगन के, खासकर आज की इलेक्शन जीतने के बारे में? आज ये जो BDC के पहली दफ़ा जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए, इसमें ये जनता की जीत है, डुगन ब्लॉक के पंचों और सरपंचों की जीत है, इससे हमें जम्मू कश्मीर में 317 हटने के बाद पहली दफ़ा ये चुनाव हुए हैं, ये आगे नए तरीके से जम्मू कश्मीर में सरकार चलेगी, इसके लिए हमें बहुत सी सेंट्रल गवर्नमेंट से उम्मीद है कि लग से हमारे जम्मू कश्मीर में तरक्की होगी और कुछ लग ही देखने को मिलेगा। और मीडिया के माध्यम से आखिर में मेरा आपसे सवाल, क्या पैगाम देंगे आवाम के लिए, खासकर डुगन ब्लॉक के लिए, बनी तहसील ब्लॉक जो है मतलब दोनों ब्लॉक के लिए क्या पैगाम रहेगा आज का आपका मौजूद जो है मतलब? मेरा सही यही पैगाम है कि जो उन्होंने ब्लॉक बनी कॉन्स्टिट्यूंसी में हमने 3 BDC के जो चुनाव जीते हैं, इसके लिए मैं जनता से यही शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने दोबारा फिर भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा किया है और बनी कॉन्स्टिट्यूंसी से 3 ब्लॉक जो है वो भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाले हैं। शुक्रिया जनाब।